नमस्कार दोस्तों, गोयल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम मीज़ू M2 नोट का फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा इसका अनबॉक्सिंग। मैं आपको फिर से एक बार इसको अनबॉक्स करके बता देता हूँ क्या क्या इसके क्या कुछ मिलता है इसके अंदर हमको। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें फ़ोन मिलता है आपको, मैंने आपको बता दिया है। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है, सार इन्फॉर्मेशन मिलता है, वारंटी स्टेटमेंट मिलते हैं और इसकी क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है। ठीक, इसमें अंदर देखते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है ईयरफोन इज़ नॉट इंक्लूडेड, मतलब ईयरफोन इसमें भाई आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात तो ख़त्म ही कर दो, आपको ईयरफोन तो मिलना ही नहीं है। साथ में इसमें एक चार्जर दे रखा है जो जिसका जो रेटिंग है आप देख सकते हैं, 2 एम्पियर का इसमें चार्जर मिलता है आपको, जो कि जल्दी उम्मीद है कि जल्दी आपका फ़ोन को चार्ज कर देगा। साथ में एक डाटा केबल दे रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, बाकी और कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो देख लेते हैं इसको हम स्टार्ट करके फ़ोन को किस टाइप से दिखता है ये। तो सबसे पहले इसके हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसको कंपनी ने जो अनाउंस किया था, इसको जुलाई 2015 में अनाउंस किया था। और इसकी जो लंबाई है, इसका डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो लंबाई दे रखा है 140.1 मिलीमीटर की दे रखी है और चौड़ाई जो है 68.9 मिलीमीटर की दे रखी है। और इसकी जो मोटाई है वो है 8.7 मिलीमीटर की। और इसका जो वजन है 131 ग्राम का है। ठीक है, डुअल सिम है, इसमें नैनो सिम सपोर्ट करता है, डुअल स्टैंड बाय सपोर्ट करता है। IPS ग्रेड की इसमें LCD स्क्रीन दे रखी है जो कि 5 इंच की स्क्रीन है। और HD स्क्रीन है, HD का मतलब होता है 720 पिक्सल का इसमें रेशियो दे रखा है, 720p इसकी स्क्रीन दे रखी है। मल्टी टच सपोर्टेड है, देखते हैं अभी हम आगे कितने पॉइंट मल्टी टच सपोर्ट करता है ये। इसकी जो PPI दे रखा है स्क्रीन का, 294 PPI सपोर्ट करता है, 294 PPI का पिक्सल डेंसिटी इसकी दे रखी है। और इसमें जो प्रोटेक्शन दे रखी है ग्लास की, ड्रैगन टेल ग्लास दे रखा है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका जो ड्रैगन टेल ग्लास है गोरिल्ला ग्लास से भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो दे रखा है एंड्रॉयड का 5.1 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, जो कि फ्लाइमी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, फ्लाइमी 4.5 जिसका जो वर्जन का नाम है, जो कि एंड्रॉयड 5.1 पे बेस्ड होता है। इसके CPU की हम बात कर लेते हैं। इसका तो अंदर जो CPU दे रखा है वो है MediaTek के MT6735 का चिपसेट का, इसमें चिपसेट दे रखा है। और CPU इसमें दे रखा है क्वाड कोर 1.3 GHz कॉर्टेक्स A53 का CPU दे रखा है। माली T720MP2 GPU इसमें दे रखा है। और इसकी जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है 16 GB सपोर्ट करता है और एक्सटर्नल ये 128 GB, मतलब 128 GB तक की ये सपोर्ट करता है। रैम इसमें 2 GB रैम दे रही है। इसमें कैमरे की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कैमरा जो दे रखा है, बैक साइड में जो कैमरा दे रखा है, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसमें जो सपोर्ट दे रखा है, इसमें जो प्रोटेक्शन दे रही है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रही है, तो आपको किसी भी तरह से आप अगर इसको नीचे भी रखते हैं तो किसी तरह से इसमें स्क्रेच नहीं पड़ेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर, बहुत कम फ़ोनों में अगर ये फीचर मिलता है हमें। सिंगल LED फ्लैश दे रखा है, मीज़ू का इसमें मार्क दे रखा है कंपनी का, इसमें लिखा है डिज़ाइन बाय मीज़ू मेड इन चाइना। इसमें आगे हम देख लेते हैं, इसमें एक ईयर पीस मिलता है, कुछ सेंसर्स मिलते हैं और एक LED नोटिफिकेशन आपको मिलता है। 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है आपको, और जो कि अच्छी सेल्फी लेने के लिए तैयार किया गया है इसको। और एक कैपेसिटी बटन दे रखा है, ये दो तरह से काम करता है बटन। अगर आप इसको सिर्फ टच करते हैं, टच सेंसिटिव बटन है ये, अगर इसको टच करते हैं तो बैक बटन का काम करता है। इसमें साथ में दूसरे दो बटन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ सिंगल बटन दिया गया है इसके अंदर। अगर आप इसको सिर्फ सिंगल टच करते हैं तो ये बैक बटन का काम करता है, अगर जोर से इसको दबाते हैं बटन को प्रेस करते हैं तो ये होम बटन का काम करता है, होम बटन पर आ जाएगा। ठीक, और जैसे कि मैंने बता दिया, इसमें नीचे एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। इसमें एक मेन माइक दे रखा है और एक लाउड स्पीकर दे रखा है, सिंगल लाउड स्पीकर दे रखा है। इसमें डबल माइक नहीं दिख रहा है हमें, तो ठीक है हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें वॉल्यूम की दे रखी है, वॉल्यूम रॉकर दे रखे हैं और एक बटन दे रखा है राइट हैंड साइड पे, सो वॉल्यूम रॉकर दे रखा है और पावर बटन दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिम एजेक्टर आपको दे रखा है, ट्रे दे रखी है इसके अंदर, जैसे
सिम्युलेटर टूल से आप इसको अंदर प्रेस करेंगे, तुरंत एक ट्रे बाहर आती है जिसके अंदर आप डुअल सिम इसके अंदर लगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर एक जो इसकी कॉन दी गई है कि सबसे पहले इसके अंदर आप डबल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। आप एक माइक्रो एक सिम लगा लें या फिर एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा लें या फिर दो सिम लगा सकते हैं। तो तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते हैं आप, कि अगर आप सोचें कि मैं दो सिम लगा लूँ इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड लगा लूँ, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। आप एक सिम लगा सकते हैं और एक माइक्रो एसडी कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम चीज़ को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बड़ी देर से इसने हैप्टिक फीडबैक दिया है, म्यूजिक ब्रांडिंग लिखा हुआ है, देख सकते, अब देख सकते हैं। फ्लाइमी ओएस है इसका, जो कि एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप पे बेस्ड है। देखिए इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, देखते हैं इसमें हिंदी है कि नहीं। हिंदी बिल्कुल है इसके अंदर हिंदी, और हिंदी के साथ में बस अभी हमारे इसमें इंडिया के हिसाब से इसमें सिर्फ हिंदी दे रखी है। बाकी आगे देखते हैं इसमें कुछ और सपोर्ट करती है कि नहीं कीबोर्ड पे। तो हम इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बाद में करेंगे, डन। देखिए बिना कुछ बोले इसने तुरंत स्टार्ट कर दिया है फ़ोन। नहीं तो दूसरे फ़ोनों में क्या होता है कि ये चालू करो वो चालू करो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइप से ये फ़ोन काम करता है। इसकी डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको क्या होगा कि सब्सक्राइब करने से जब भी हम नया वीडियो कुछ भी लॉन्च करेंगे तो आपको बाकायदा इसका एक मैसेज मिलेगा आपको कि नया वीडियो डल गया भैया, देख लो इसको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम इसका एक दो दिन में वापस इसका एक रिव्यू करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम आपको सारे इसके ऑप्शंस बताएंगे क्या क्या है इसके अंदर, सिम किस टाइप से आप लगा सकते हो क्या नहीं लगा सकते हो, और कैमरा किस टाइप से काम करेगा, कैमरे का भी एक रिव्यू डालेंगे इसके अंदर, हम एक गेमिंग रिव्यू डालेंगे इसके अंदर। तो आप बिल्कुल बने रहिए गोयल टेक्निकल के साथ में, और आप इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बराबर मिलती जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।